जूस जिहाद का आज गाजियाबाद में जूस जिहाद को लेकर महापंचायत बुलाई गई है। देखिए, जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को पिलाने को लेकर लोनी के टीला गांव में सर्व समाज की महापंचायत होनी है। इस महापंचायत में लोनी विधानसभा से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर शामिल होंगे। महापंचायत में समाज के सभी वर्गों के लोगों के हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में यूरिन मिलाकर पिलाए जाने वाले जूस के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आमिर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले पर होनी है महापंचायत। की गई है क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग बाग यहाँ आने वाले हैं। तो देखिए, ये शिव जी के मंदिर परिसर में प्रोग्राम है और अनुमानित भीड़ हम लोग करीब 800 से 1000 कम से कम मान रहे हैं। तो इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स है, PAC भी है जी। जो बेसिक समस्या रहेगी वो आपके वाहनों के खड़े करने के लिए, तो उसके लिए प्लानिंग की गई है। प्लस जो रूट डाइवर्जन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुख्य रोड है जी, तो इस पर वाहन काफ़ी संख्या में रहते हैं, तो ये सारी प्लानिंग की गई है कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आइए, हमारे साथ इस खबर पर मौजूद है अमित राणा, न सिर्फ गाजियाबाद वासी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब ये जानकारी लोगों को मिली, ये खबर पता चली, तो हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसा कोई वाकई में कर सकता है। लेकिन आज जो महापंचायत होने वाली है, इस पर आपसे जानकारी लेने वाले हैं कि महापंचायत कितने बजे होनी है, कौन कौन महापंचायत में शामिल होने वाला है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल कंचन, आपको बताना चाहूंगा, बीते दिनों की बात है जब थाना अंकुर विहार क्षेत्र में एक जूस की दुकान में मानव मूत्र मिलाकर पिलाया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसी के चलते आज यहां लोनी क्षेत्र में मूत्र एवं थूक जिहाद के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया है, जहां हजारों की तादाद में लोगों के इकट्ठा होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। वो भारी तादाद में पुलिस बल भी यहां तैनात कर दिया गया है। लोगों का आना यहां शुरू हो चुका है। ऐसे में कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि किस तरह की यहां पर जो पंचायत होने वाली है। सर, जानना चाहूंगा, जिहाद एक और आ रही है, मूत्र और थूक जिहाद के खिलाफ महापंचायत का आयोजन है, क्या होना है आज की पंचायत में? सर्व समाज के लोग इसमें आ भी रहे हैं। भैया, होना क्या है पंचायत में? पंचायत तो पंच तय करेंगे कि होना क्या है जी। लेकिन जो एक विषय पूरे देश में चल पड़ा है, मतलब आप देखिए ना, थूक की रोटी, बाथरूम भर के रख देना, मानव मूत्र को आप जूस में मिला के पिला रहे हैं, मतलब ये मानसिकता क्या है और ये क्या लोग चाहते हैं और कौन इसके पीछे है? बड़ी चिंता का विषय जब हम लोगों के बीच में है, जब ये हमारे घर लोनी में ऐसी घटना घटी है, तो उसके विषय में तमाम जो अपने हिंदू समाज है, जो अन्य लोग भी हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं, सर समाज के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आप भी बताइए कि जिस तरह का ये चल रहा है कि पेशाब मिलाना, मानव मूत्र मिलाना, अच्छा एक बड़ा सवाल और बनता है कि जो लोग ये पकड़े जाते हैं, इसमें अमित नहीं मिलेगा आपको, आमिर मिल जाएगा, सतीश नहीं मिलेगा, शहजाद मिल जाएगा, यानी धर्म जाति विशेष के ही लोग क्यों मिलते हैं? कारण क्या है ना, उनको शिक्षा से इसी काम की दी जाती है, पैदाइश उनकी वहाँ से होती है और वहाँ से शुरुआत करते हैं कि आपको करना क्या है। जो लोग एक विशेष कास्ट को, विशेष धर्म को काफर बोलते हैं, उनकी सोच ही वो है, उनकी मानसिकता वो है, उनकी शुरुआत से लेकर एंडिंग तक आप कभी भी शर्त देंगे आप, तो उनको हमसे अमीर ही मिलेगा, आपको अमित कहीं नहीं मिलने वाला है, चाहे वो जूस हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो बलात्कार भी हो, चाहे वो शोषण भी हो, किसी तरह का भी, कहीं भी देखेंगे करने वाले जिस पंचायत में कहीं भी हो, आज पूरा सर्व समाज इकट्ठा हो रहा है। जो भी आज फैसला होगा वो पूरे समाज हित को देखते हुए, धर्म को देखते हुए बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। ये लगाम से कौन कौन लोग यहाँ आने वाले हैं आज, क्योंकि देख रहा हूँ भारी भारी तादाद में पुलिस बल तो तैनात यहाँ कर रहे हैं। तो ये है बड़े भैया कि हिंदू समाज के जितने भी सनातनी हैं, सबको निमंत्रण है सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी लोग आने वाले हैं, जिसमें शादी प्राची दीदी भी हैं और भी बड़े बड़े संत महासंत हैं जो यहाँ आने वाले हैं। और हाँ जी, लोनी विधायक नहीं, अभी जानकारी नहीं है, और अगर वो आना चाहते तो आ सकते हैं, हिंदू तो वो भी हैं और सब समाज में भी आते हैं। बिल्कुल सर, समाज के लिए महापंचायत की गई है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही लोनी टीला गाँव है जहाँ पर ये महापंचायत होने वाली है। भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। वजह यही है कि सर्व समाज के द्वारा आज एक महापंचायत का आयोजन किया जाना है, क्योंकि जिस तरह की जिहाद जिसको नाम दिया गया है, मूत्र एवं थूक जिहाद, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जैसा अभी मैंने अभी अपने कुछ लोगों से ही पूछा कि जिस तरह जो लोग इसमें सामने आते हैं, उसमें अमित आपको नहीं मिलेगा, उसमें आमिर आपको मिलेगा,
सतीश आपको नहीं मिलेगा, शहजाद आपको मिलेगा, यानी कोई जाति धर्म विशेष के ही लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को कारित करते हैं। यही कारण भी है कि अच्छा खासा आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज लोनी में ही एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। और इस पंचायत में इस महापंचायत पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, आपको दिखाएंगे हम तीन तस्वीरें। कहीं पर रोटी में थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, तो वहीं कहीं आपको बताएं कि जूस के अंदर यूरिन मिलाकर लोगों को पिलाया जाता है। वहीं आप तीसरी तस्वीर जो देख रहे हैं, थूक मिलाकर ग्राहक के चेहरे की मसाज की जाती है। ये तीन तस्वीरें उत्तर प्रदेश से ही हैं आपके सामने, जहां बागपत, गाजियाबाद और कन्नौज की तस्वीरें आप देख रहे हैं।